नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर जिले के थाना जखौरा के कस्बे के बस स्टैंड स्थित बनी एक सहकारी समिति सोसाइटी का है, जहां आज सुबह सुबह सोसाइटी की बिल्डिंग से धुआं निकलते देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और स्टैंड पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी सोसाइटी सचिव व फायर ब्रिगेड को दी, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि सोसाइटी से सटी हुई मेन बस स्टैंड की दुकानें एवं मकान बने हुए हैं, जिससे यहां बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं इस घटना में सोसाइटी की गोदाम में रखा पुराना फर्नीचर एवं पुराने दस्तावेज जलकर राख हो गए। मौके की स्थिति को देखते हुए सिर्फ दस्तावेजों को जलना संदेह की नज़र से भी देखा जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर आग कैसे लगी। तो वहीं इस घटना को लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमाशंकर सोनी की रिपोर्ट। चंद्रकिशोर तिवारी। अच्छा, कौन से पार्क पे हैं? सचिव हैं। अच्छा, कैसे लगी आग? पीछे घूरे कंडे वगैरह रखे थे, वहीं दीवार से सटे हुए। अच्छा, हमें तो सवेरे मालूम पड़ा, करीब 6:30 बजे के लगभग जो है, जब हमें जानकारी मिली, जब हमारे देखा यहाँ जो है, फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जो है, तो वहाँ से फायर ब्रिगेड आई, उनने जो है आग बुझाया जो है उसको। इसमें क्या क्या सामान जल गया? इसमें पुराना फर्नीचर वगैरह रखा था, पुराना रिकॉर्ड था जो है, केस बुक थी, गार्ड फाइल थी, केस में हमें थी। अच्छा। बिक रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर और पुराने जो है रजिस्टर जो है किसानों की जो है, ये सब जल गए जो है। वैसे यहाँ पे अलमारी नहीं है दस्तावेजों पर? नहीं, अलमारी है, जो नया रिकॉर्ड होता है उस पर अलमारी पे रखते, जो पुराना रिकॉर्ड है जो स्टोर रूम में रखते जी। अच्छा,